फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। और यहाँ पर देखिए, फर्श क्लीन हुआ था, पोछा लगा था, लेकिन गीला था तो अरमान मान नहीं रहा था, उसको क्रॉस करके जाना था, तो देखिए कैसे जंप करके गया। और यहाँ पर इन दोनों के हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, स्कूल से भी कंप्लेन आने लगी थी जुहान अरमान की कि हेयर कट कराइए, तो इन दोनों को भेजा हेयर कट करवाने के लिए, तो बारी बारी से दोनों के हेयर कट हो गए यहाँ पर, पहले जुहान के फिर अरमान के। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, मेरी रोटी वाली नहीं आई, तो आज हमने और सोना ने मिलकर रोटी बना ली। चलो कभी कभी छुट्टी ले लेती है, लेकिन बहुत छुट्टी लेती हैं वो, आए दिन कहीं इनको यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाना है, तो बोर हो जाती हैं। तो आज मैंने और सोना ने ये डिसाइड किया कि आज हम लोग मिल करके रोटी बनाते हैं। सोना सेक रही है और मैं बेल रही हूँ गोल गोल रोटी, है ना सोना? सो गाइज, यहाँ पे विंटर मेला लगा, तो सब बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मा विंटर मेला चलो, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं विंटर मेला। चलिए आपसे वहीं फिर मुलाकात होती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए थे विंटर मेला देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतनी चहल पहल थी, इतनी रौनक थी कि आके बिल्कुल मूड सबका फ्रेश हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था। सब ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ था, और फर्नीचर का ये काफ़ी अच्छे फर्नीचर, वुडन फर्नीचर था, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। कपड़ों के स्टॉल थे, चप्पलों के स्टॉल थे, तो मैंने भी एक चप्पल ली, ये देखिए बहुत पुरानी चौकी थी ना, तो वो भी पहले घर में होती थी ना, तो उस टाइप से चौकियाँ भी थी, और ये चप्पल्स थी, ये बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें थी। मैंने भी एक सैंडल ली, मैंने आपको आगे दिखाऊंगी भी, तो बहुत अच्छा और मज़ा आई, काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। भेलपूरी किसी ने खाई, किसी ने पानी पूरी खाई, और जुहान ने तो खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा लिया उसने, उसको पकड़ पकड़ कर रोक रहे थे, लेकिन वो गायब हो जा रहा था, बार बार भाग रहा था इधर उधर बिल्कुल तो आगे देखिए, खूब एंजॉय कीजिए। लगा देखा, जितने बार लगाओ तो थोड़ा पैसा मिलेगा। लग गया ना? हाँ, उतने टुकड़े मिलेंगे। दो सही हो गए। और दिखाओ भैया, पूरा निकाल दिखाइए, पूरा निकाल दिखाइए, पूरा ऐसा नहीं, 20 रुपया कम करो पूरा, ये कोई बात नहीं। मम्मा जूस पी सकते हैं? जूस हाँ पियो। देखिए गाइस, ये मेरा हेडफोन है। अक्का वही खाएंगी उड़िया के बाद। खूबसूरत लग रही है। जान मजा आ रही है, सोना बड़ी सर्दी लग रही है, हम कह रहे थे कुछ पहन लो, बहुत गर्मी सवार रही है। भैया कम करो, दे देंगे, दो ले लेंगे। सही रेट लगाओ, कितना बताया? एक हमने ली, एक मेरी देवरानी ली, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे 10 कस्टमर भेजेंगे, बता रहे आप लोग फिक्स रेट लटा लग दे रहे हैं। हाँ ठीक है, लड़ाई जो है, आप पसंद नहीं करवा रही। देखो गुड़िया, सब बढ़िया, डार्क कलर गुड़िया
ये दीवार की लंबाई से नहीं आ पाएगा। नहीं नहीं ये मत हो जाएंगे, बता देना। दो दो खरीदो, देखो तुम लोग कह रही कौन सा। चलो यार ये दो, चलो अब सबने सेलेक्ट कर लिए ना। वो खाओ गोलगप्पे खाओ। दही वाले खाओ, खाओ खिलाओ। तो फ्रेंड्स अब काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी, तो हम लोग जा रहे हैं अब घर, मिलते हैं घर पे। बाय बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर। अब वहाँ पे इतने थक गए थे कि सब बच्चों ने इतना एंजॉय किया, अरजहान ने तो इतना एंजॉय किया वहाँ पे, इतना खेले मस्ती से कि अब वहाँ से आके बस चेंज करके ये सो गया। जल्दी सोता भी है ना, तो आज थोड़ा लेट हो गया, तो ये आकर के सो गए हैं। और अरमान को इतनी गर्मी लग रही थी, फ़ौरन बनियान में आ गया, उन्होंने कहा इतनी ठंड है जो अरमान चेंज कर लो, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ बनियान, मम्मा थोड़ी देर बाद हम पहनेंगे। और देखिए फ्रेंड्स वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फ्रेंड्स मैंने एक कारपेट ली है, बताइए कैसी लग रही है, बहुत अच्छी मिल गई वहाँ पर, इतनी रिजनेबल प्राइस मिली है कि 3 पीस ली है। ये भी एक दरानी ने ली और एक गुड़ियाप्पी लोग ने लिया, तो ये और पता है वो 190 का दे रहा था, तो मैंने इसका प्राइस कम करवाया, 160 का लिया, तो 3 पीस लिया इसका भी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे लग रही है। और इसको कुछ बोलते भी हैं शायद, कतरी तर कतरी क्या बोलते हैं, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा था। और नीचे बैठ करके बच्चे अपना कुछ भी लिखें, पढ़ें, खाएं, पिएं, लेटें, कुछ भी, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और ये देखिए मैंने स्लीपर ली, ये कैसी लग रही है आप बताइएगा कमेंट में। ये पैर में काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे, तो सबने कहा इसको ले लो, तो ये मैंने ली, अच्छी लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने ले ली इसको भी। और ये कारपेट जो यहाँ पर बिछी हुई थी, सो मैंने यहाँ पर टेबल के नीचे अब डाल दी, तो देखिए पूरा एक सेट हो गया सोफ़ा विथ ये कारपेट, ये सही ना, अब ये अच्छा आ रहा है यहाँ पर। तो डाला मैगी, अच्छा बच्चों को मैगी कितनी पसंद होती है ना, वो सोचते हैं बस मैगी खाते रहें, मैगी खाते रहें, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को मैगी नहीं देना चाहिए, वैसे मैं भी नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी जिद करते हैं तो दे देती हूँ। अब मैगी में फ्रेंड्स काफ़ी चेंजेस आ गए ना, पहले कितनी अच्छी मैगी थी, मैं भी खाती थी स्कूल से आ करके, लेकिन वो बात वो मैगी अलग होती थी, उसमें स्मेल बहुत अच्छी होती थी, खाने में मज़ा भी बहुत आता था। अब मैगी काफ़ी चेंज हो गई है, तो वो टेस्ट नहीं रह गया है पहले जैसा। सही लग रही है। तो फ्रेंड्स ये है वही ऑरेंज के छिलकों का पानी, और इसका आज वन डे हो गया, तो इसका पानी हमको प्लांट्स में डालना है, तो आधी बाल्टी पानी में इसको मिलाना है, इसके छिलकों को हटा करके याला सारे छिलकों को हटा देना है। ये पानी ना बहुत प्लांट के लिए अच्छा होता है, इसमें एसिडिक होता है, तो ये प्लांट के लिए अच्छा होता है। आधी बाल्टी पानी में इसको अच्छे से फिर मिला लेना, अब इसको प्लांट में बराबर बराबर से डाल देना है देख करके। आना।
तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। और तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।